इन क्वार्टर ऑफ द ईयर फॉर कैप्रिकॉन अप्रैल में जून आप सनमून राइजिंग जैसे भी कैप्रिकॉन से कनेक्ट करते हैं उसके लिए आप ये देख सकते हैं सो अप्रैल मे जून की एनर्जी कैप्रिकॉन के लिए ओके सो वी हैव थ्री कार्ड्स प्रिसाइसली Yes. Okay, so let's start. पहला कार्ड जो है वो टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आया है टेन ऑफ पेंटिकल जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी बताता है फैमिली बताता है इनहेरिटेंस बताता है आ, पीस बताता है कंटेंटमेंट बताता है आ, फैमिली ट्रेडिशंस फैमिली ट्री और नॉलेज का पास ऑन करना बताता है बट टेन जो है वो कम्पलीशन और न्यू बिगिनिंग्स भी बताता है और मनी गेन जो है मनी से रिलेटेड कुछ डिसीजन या मनी से रिलेटेड कुछ चीजें आपकी लाइफ में होना भी बताता है दूसरा कार्ड जो है आपका वो टू ऑफ पेंटिकल है टू ऑफ पेंटिकल जो है वो बोलता है कई बार आप बहुत सारा काम कर रहे होते हो एक साथ और बहुत सारी जगलिंग जो है एक साथ कर करते हो और उस सारी चीजों में ना फन कई बार आ, मिस हो जाता है आपकी लाइफ में तो बैलेंस बजट और जगलिंग को फन बनाना थोड़ा सा बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है थर्ड थर्ड कार्ड की मैं अगर बात करूं तो नाइन ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड है नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है वो बोलता है कि आपने जो क्रिएट किया है उसको प्रोटेक्ट करें प्रिपेयर रहें गिव अप ना करें अपने एंजल्स से हेल्प मांगे और कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के साथ और एनिमल्स के साथ आपका कनेक्शन जो है स्ट्रॉ होने वाला है अब ये जो सेकंड क्वार्टर की एनर्जीज हैं सेकंड क्वार्टर जो है आपके लिए थोड़ी सी जगलिंग लेकर आने वाला है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड अप्रैल जो टाइम पीरियड होगा वहां पर आपको डेफिनेटली किसी तरह का गेन जो है वो होगा या किसी तरह का फैमिली से रिलेटेड कोई इशू बाहर आना फैमिली मनी से रिलेटेड कोई इशू बाहर आना मनी uh, से रिलेटेड कोई एक्शन uh, होना फैमिली मनी एंड हेरिटेंस से रिलेटेड कुछ चीजें जो है उनका फिगर आउट होना या उनके बारे में पता चलना एक तरह से एक नया चेंज जो है वो आपके लाइफ में शुरू होगा और वो जो चेंज है वो मनी से रिलेटेड फैमिली से रिलेटेड इनहेरिटेंस से रिलेटेड या फैमिली एक्सपेंसेस से रिलेटेड होगा अब यहां पर जून जो है वो थोड़े से जगलिंग लेकर आएगा क्योंकि ऑलरेडी मनी से रिलेटेड कुछ एक्शन शुरू होंगे और फिर आपको हो सकता है कि आप मल्टीपल जॉब्स कर रहे हो आप मल्टीपल जगहों पे काम कर रहे हो सकता है आपने मल्टीपल चीजें एक साथ करने की कोशिश की हो आप बहुत सारी आ, बहुत सारी चीजों को बहुत समय से करने और बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो और वो जो जगलिंग है वो थोड़ी सी और स्ट्रांग हो जाए आपके मे के मंथ में लेकिन अगर आप थोड़ा सा फंड बीच में एड कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और मंथ ईजी हो जाएगा जगलिंग तो होनी ही है और जून का महीना जो है वहां पर आपने अभी तक जो भी आपने क्रिएट किया है अपने लिए अपनों के लिए अपनी लाइफ के लिए उसको प्रोटेक्ट करने की एनर्जी होगी तो बेसिकली स्टेप्स लेने की एनर्जी थोड़ा सा अपने आप को सपोर्ट करने की एनर्जी थोड़ा सा क्लियरली सोचने की एनर्जी और थोड़ा सा गिव अप ना करने की एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होगी तो अगर मैं मनी की बात करूं तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं है कि मनी नहीं होगा मनी तो होगा क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में भी मनी गेन है सेकंड क्वार्टर में भी मनी गेन है लेकिन ऐसा हो सकता है कि इनहेरिटेंस से कुछ पैसे आपको मिले लेकिन वो रिलीज ना हो कुछ और लोग अपना क्लेम दायर कर दें उस तरह से कुछ चीजें हों और फिर आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़े या अपने मनी को बैलेंस करना पड़े या उन लोगों के साथ बैलेंस करना पड़े या थोड़ी सी लीगल फाइट लड़नी पड़े तो उस तरह की एनर्जी हो सकती है या आप का पैसा कहीं से आना है और बीच में कोई छोटे सी ब्लॉकेज या डिफिकल्टी जो है वो आ जाए उस तरह से हो सकता है तो थोड़ी सी जगलिंग है बजट अच्छे से करना है आपने जो आने वाला है जब तक हाथ में ना आ जाए उसके हिसाब से एक्सपेंसिस नहीं करने हैं एक्सपेंसिस सोच समझ के डिसाइड करने हैं बट अदरवाइज ऐसा मनी रिलेटेड दिक्कत जो है वो नहीं दिखाई दे रही हो सकता है कि फैमिली के ऊपर कुछ मनी जो है आपका स्पेंड हो जाए उसकी वजह से आपको अपनी बजटिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो बट uh, बजटिंग ध्यान से करनी है जगलिंग होगी लेकिन चलता रहेगा फ्लो अगर मैं रिलेशनशिप uh, की बात करूं तो रिलेशनशिप में डेफिनेटली uh, कुछ इमोशनल जगलिंग जो है वो मुझे दिखाई दे रही है अब uh, फैमिली को लेकर uh, कुछ इश्यूज कुछ uh, कुछ uh, हो सकता है फैमिली में कोई प्रेगनेंट हो अचानक कोई प्रेगनेंसी हो जाए या हो सकता है कि कहीं uh आपने एक्सटेंडेड फैमिली में कहीं कोई सेलिब्रेशन हो कहीं कोई बीमार हो जाए उसके, उसके 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 लिए आपको जाना पड़े या फिर सारी फैमिली जो है एक साथ आए कोई सेलिब्रेशन हो उसमें सब एक साथ इकट्ठे हों तो एक हैप्पी फैमिली मोमेंट या फिर एक थोड़ी सी चैलेंजिंग फैमिली मोमेंट जो है वो हो सकती है लेकिन उसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है दैट आपको अपने वर्ड्स को और अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से बैलेंस करके टाइमली डिसीजंस लेने हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप कुछ बोलें और वो किसी और तरह से इंटरप्रेट किया जाए या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो टाइमिंग है आपकी वो करेक्ट ना रहे कुछ करने की तो टाइमिंग रिलेशनशिप्स में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है तो अपनी टाइमिंग पे बहुत ध्यान दीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि आप अपने शब्द जो है उनका चुनाव सही तरह से करें और दूसरा की डिफेंस मतलब अपने आप को जब अगर कोई आप पे किसी तरह की कोई कोई ब्लेम लगा रहा है कोई बात कर रहा है तो डिफेंड जो है वो भी बैलेंस के साथ करें और अपने अपनों को और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें अगर आपने इंश्योरेंस नहीं ली है फैमिली या फैमिली मेंबर्स की या खुद की तो वो ले लें इस टाइम में मुझे लगता है वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए अगर मैं वर्क की बात करूं या जॉब की बात करूं तो वहां पर भी मुझे थोड़ी सी जगलिंग दिखाई दे रही है और हो सकता है कि आ, किसी प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए किसी जॉब के लिए किसी काम के लिए आपकी टाइमिंग थोड़ी सी ऑफ ऑन हो जाए और उस टाइमिंग के कारण फिर आपका वर्क जो है वो बढ़ जाए या आपके ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ जाए तो अगर आप टाइमिंग का ख्याल रखेंगे अपनी जॉब अपनी वर्क में और थोड़ा सा जगलिंग के साथ बैलेंस के साथ बैलेंस के साथ फन भी थोड़ा सा ऐड करेंगे मतलब पता ही है कि करना ही है तो हंस के कर लो वाली एनर्जी है और मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो जगलिंग जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी और डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट जो है आपकी तरफ आएंगे हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले 都。 प्रेगनेंसी uh, के पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं या अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो थोड़ा सा अपने हेल्थ का एक्स्ट्रा केयर कीजिए दूसरा हार्ट हेल्थ हार्ट हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है आपने हार्ट हेल्थ इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट और uh, तीसरा बैलेंस चाहे आपकी डाइट हो चाहे आपकी एक्टिविटी हो चाहे आपका फूड uh, हो टाइम पे खाना लें टाइम पे पानी पिए और बैलेंस जो है एक वो जरूर रखें वो बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है इस टाइम पीरियड में अगर मैं नंबर ऑफ द मंथ की बात करूं आपके लिए तो नंबर वन आपके नंबर ऑफ क्वार्टर नंबर वन आपके लिए ग्रीन और ऑरेंज और ये दो कलर आपके लिए बहुत करनी है स्वादिष्ठाना चक्र की मेडिटेशन uh, so, और स्वादिष्टाना इन दो चक्रा की आपने मेडिटेशन करनी है क्योंकि uh, वो मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगी बैलेंस करने में और चीजों को आगे ले जाने में और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्वार्टर होगा थोड़ी सी जगलिंग लाएगा और जैसे चीजें फास्ट पेस में फर्स्ट क्वार्टर में चलेंगी वैसे ही सेकेंड क्वार्टर में थोड़ा सा जगलिंग थोड़ा सा अनक्लैरिटी थोड़ा सा टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है अपने आप को प्रोटेक्ट करना अपनों को प्रोटेक्ट करना टाइमिंग सही टाइम पे सही चीज बोलना जो है वो बहुत और टाइमिंग मैनेज करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि फैमिली भी होगी और लोग भी होंगे सोशल लाइफ भी होगी और उनके बीच में कहीं ना कहीं वो टाइमिंग ऑफ ना हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है तो उसका ध्यान रखें लेट्स सी मैसेज क्या है आपका सेकेंड क्वार्टर का खेप्रिकॉन गाइड्स एंजल्स खेप्रिकॉन मकर राशि सेकेंड क्वार्टर मैसेज क्या है कैप्रिकॉन के लिए ओके सो so कैप्रिकॉन के लिए सेकंड क्वार्टर का मैसेज क्या है कैप्रिकॉन के लिए सेकंड क्वार्टर का मैसेज है स्वोट मेक द चेंज नंबर सेवन की एनर्जी है और वो बोलता है कि जो चेंज आपको चाहिए वो चेंज आपको लाना है वो अपने बाल जो है स्पोर्ट से कट कर रही है इसलिए नहीं कि वो अपने बाल जो है वो काट नहीं सकती है या वो किसी और को नहीं बोल सकती है बट इट इज लाइक आपको जो चेंज लाना है आपको खुद उसकी शुरुआत करनी है अब ये आप अगर इसको सिग्निफिकेंस इसका लें तो बेसिकली आप अपने लुक को चेंज कर रहे हैं आप अपने प्रेजेंस को चेंज कर रहे हैं आप अपने अम, आ, आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर रहे हैं आप अपने आप को बदल रहे हैं और आप अपनी दुनिया को बदल रहे हैं मिरर जो होता है आपकी रिफ्लेक्शन होता है तो आप अपने रिफ्लेक्शन को आप अपने एनर्जी को ऊर्जा को जो है वो बदल रहे हैं तो ये जो क्वार्टर है ये आपके लिए बदलाव लाने का है जहां पर आप अपने आप में और अपने आसपास की चीजों में बदलाव लाएंगे और अपने आप में जो बदलाव लाना है उसमें डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी आपकी लुक आपकी फिजिकल अपेयरेंस जो है उसमें भी कुछ बदलाव जो है वो आपको लाने होंगे और फिर वो बदलाव जो है वो बड़े लेवल पे भी आपको लाने होंगे तो मेक द चेंज जो आप चेंज चाहते हैं दुनिया में हो वो चेंज जो है वो आप ही को लाना है और आप ही को क्रिएट करना है वो चेंज और वेन यू आर द चेंज दैट इज वेन यू आर एबल टू मेक द चेंज के लिए अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो मेक द चेंज का मतलब है कि आप अपने आप में बदलाव लाएं अपनी दुनिया में बदलाव लाएं अपनी पर्सनालिटी में बदलाव लाएं लेकिन जो आप चेंज लाना चाहते हैं वो शुरू जो है वो आपको करना पड़ेगा और जिन चेंजेस के बारे में स्पेशली आप कुछ समय से सोच रहे हैं कि मुझे ये करना है या शायद मुझे ये करना है या ये मुझे करना चाहिए कि नहीं तो ये कार्ड बोलता है कि अपनी इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट कीजिए और लीप ऑफ फेथ लीजिए और चाहे आप अपने अपनी अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं अपनी जॉब को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं है, 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 कोई बड़ा एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं किसी बड़े बदलाव के बारे में सोच रहे हैं अपनी लुक को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं अपनी रिफ्लेक्शन को दुनिया आपको कैसे देखती है उसको चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं अपने आउटलुक को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं जो भी ये बदलाव है अपनी इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए और इस बदलाव को लेकर आइए क्योंकि ये बदलाव आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और पॉजिटिव भी रहेगा तो मेक द चेंज ब्रिंग द चेंज और वो चेंज जो है वो आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा अब देखते हैं कि थर्ड क्वार्टर जो है तो उसकी एनर्जी आपके लिए कैसी रहने वाली है